रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज हमना बिन्त शहजाद। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम अपना देखेंगे गौहर इंग्लिश बुक 1 का बेसिकली रिव्यू नंबर 2। तो आइए चलते हैं अब रिव्यू की तरफ। जी डियर टीचर्स, अब हम अपना देखते हैं पेज नंबर 65 पे रिव्यू 2, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। क्वेश्चन है, से द नेम ऑफ ईच पिक्चर, मैच द स्पोकन वर्ड विद द रिटन वर्ड। साइड पर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और राइट साइड पर रिटन वर्ड्स। आपने तस्वीर का नाम लेते हुए, जैसे स्क्रीन पर मैचिंग चल रही है, आपने मैच करना है। जी, सन, हैट, हेन, लॉग। देखिए स्क्रीन पर मैचिंग हो रही है। देन क्वेश्चन नंबर बी, शेयर सम सेंटेंसेस विद योर फ्रेंड्स एक्सप्रेसिंग कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ ईच कमांड। अटेंड माई कॉल, ओके, हेयर आई एम। शट द फ्रंट डोर, श्योर, आई विल डू। क्लीन योर रूम, श्योर, आई विल डू। पास द सॉल्ट, टेक इट। अब चलते हैं पेज 66 पे, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। रीड द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द ईयर, रीअरेंज देम इन ऑर्डर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमारे पास ये जो मंथ्स इन अ ईयर हैं, ये एक रैंडमली लिखे गए हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा करेक्ट ऑर्डर है, और वो क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इस ऑर्डर में आपने लिखना है। देन मैच ईच एक्शन वर्ब विद द रेलेवेंट पिक्चर। एक्शन वर्ब मीन वो वाला वर्ब जो कि किसी काम के होने को जाहिर करता हो। रेनिंग, जैसे कि तस्वीर नंबर 3 में आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, इसको उसके साथ मैच कर दें। बोटिंग, चौथे नंबर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि फोर्थ वन पिक्चर में एक लड़का बोटिंग कर रहा है, उसे मैच कर दें। ड्रिंकिंग, सेकंड पिक्चर, लड़का पानी पी रहा है। क्लाइंबिंग, ये जिसमें एक लड़का माउंटेन पे हाइकिंग कर रहा है। देन पेज नंबर 67, फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कैपिटलाइज द लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। दे सैट अंडर अ ट्री, दे का टी कैपिटल। ही हैज अ बिग बोट, ही का एच कैपिटल। माय फ्रेंड लिव्स इन लंदन, माय का एम कैपिटल। वी लव टू प्ले क्रिकेट, वी का डब्ल्यू कैपिटल। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी का जे कैपिटल। बीट, मैच द वर्ड्स विद प्रोनाउंस। द गर्ल, जैसे कि शी के साथ मैच है। अ कैट, इट के साथ। द बॉयज, दे के साथ। दिस बॉय, ही के साथ। सना, अगेन शी के साथ। यू एंड आई, वी के साथ। देन आते हैं पेज नंबर 68 पे राइटिंग स्किल्स के ऊपर। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द पिक्चर, राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स इन द गिवन कॉलम। नेमिंग वर्ड्स, जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास वो वाले वर्ड्स होते हैं, वो नाउन्स कहलाते हैं, जो कि किसी भी जानदार या बेजान चीज़ को शो करते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में माउंटेन, क्लाउड, स्काई, बर्ड्स, ट्री, ग्रास, बॉय, आइसक्रीम और कैट, देन नूडल्स, देन मिल्क, ये आपको पास चीज़ें नज़र आ रही हैं। कैप, ये सब की सब आपके पास जो आपको नज़र आ रही हैं, ये नाउन्स हैं। इस तस्वीर को देखते हुए कोई से 5 नाउन्स में लिख दें। अब आते हैं एक्शन वर्ड्स में। एक्शन वर्ड्स हमारे पास वो वाले वर्ब्स होते हैं जो कि किसी भी काम के होने को जाहिर करें। अब इस तस्वीर को गौर से देखते हुए बताएं, जैसे बिल्ली चल रही है, एक लड़का आइसक्रीम ले कर रहा है, दरमियान वाला जो लड़का है इसने बेसिकली खाना पकड़ा हुआ है, हाथ में मिल्क पकड़ा हुआ है और उसको पीने की कोशिश कर रहा है। दरख्त के नीचे जो लड़का बैठा हुआ है, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। एक तो ये आपके पास भी एक्शन वर्ब हो सकता है, एक वो नूडल्स खा रहा है, दो लड़के खड़े हुए हैं, ये वाला खड़ा हुआ है, ये वाला लड़का जो आइसक्रीम लिख कर रहा है, ये रन कर रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बर्ड्स चहचहा रहे भी हैं, बिल्ली चल रही है। तो कितने एक्शन वर्ड्स हुए, लिकिंग, देन आपके पास रनिंग, देन आपके पास स्टैंडिंग, ड्रिंकिंग, सिटिंग, ईटिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग
एंड चिरपिंग, ये सारे के सारे आपके पास एक्शन वर्ड्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने तस्वीर को जर्नली नहीं देखा, जर्नली देखती तो सिर्फ मैं आपको प्लेइंग एंड एंजॉयिंग बता सकती थी। तो जब भी हमने कोई पिक्चर को देखना है, हमने उसके एक एक अलहदा अलहदा चंक को देखना है। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हमने देखा अपना गौहर इंग्लिश बुक 1 का रिव्यू नंबर 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया होगा जब भी रिव्यू आपने बच्चों को करवाना है उसको करने में। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।